आरपीएससी में गृह विभाग की डीपीसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक आयोग सदस्य जसवंत सिंह राठी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी अनिल पालीवाल ने इस बैठक में भाग लिया। आयोग सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरपीएस जूनियर स्किल और सिलेक्शन स्किल के साथ ही सीनियर स्किल के लिए डीपीसी बैठक आयोजित की गई है। आज डीपीसी की गई गृह विभाग की, जिसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की आज एक डीपीसी थी, एक जेल डिपार्टमेंट की डीपीसी थी और एक पुलिस डिपार्टमेंट की डीपीसी थी। तो इन तीनों में जेल डिपार्टमेंट की तरफ से डीजी जेल भूपेंद्र दक्ष साहब उपस्थित थे, शासन सचिव गृह उपस्थित थे और पुलिस डिपार्टमेंट की जो डीपीसी हुई उसमें डीजीपी साहब सदस्य के रूप में उपस्थित थे, वी श्रवण कुमार शासन सचिव गृह उपस्थित थे और भावना गर्ग और जगवीर सिंह जी उपस्थित थे। तो इसमें मुख्य रूप से जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो डीपीसी की गई उसमें आरपीएस जूनियर स्केल और आरपीएस सिलेक्शन स्केल और आरपीएस सीनियर स्केल की रेगुलर और रिव्यू डीपीसी की गई। तो कोई भी जो पेंडिंग जो है पेंडेंसी ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखा गया कि नव वर्ष से पहले वर्ष 2022-23 तक के सभी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कर दिए जाएं, तो आरपीएससी के स्तर पर कोई पेंडेंसी ना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में रह गया सिर्फ एक साल का समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और YouTube पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा अजमेर, 9571204206।